नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 पेंट्स की जो आप अपने घर के इंटीरियर में करवा सकते हैं। अब अगर आप अपने घर में पेंट करवाने जा रहे हैं और मार्केट में निकलते हैं तो आपको देखने को मिलेगी कंफ्यूजन, क्योंकि मार्केट में इस वक्त अगर एशियन पेंट की बात करें तो 30 से ज्यादा अलग अलग टाइप के पेंट अवेलेबल है घर की दीवारों के अंदर के लिए, और आप सारी कंपनीज को मिला दें तो शायद 150-200 पेंट चले जाएंगे। लेकिन अब इसमें से सही क्या है, गलत क्या है, आपको अपने घर में कौन सा पेंट करवाना चाहिए, ये आपको पता चलेगा ये वीडियो देखकर। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 पेंट्स जो आप अपने घर के दीवारों के लिए चूज कर सकते हैं। इस टॉप 5 की लिस्ट में हम उल्टा चलेंगे, यानी हम पांचवे, चौथे, तीसरे, दूसरे और एक, इस तरह से बात करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि सबसे बेकार से लेकर सबसे अच्छा पेंट कौन सा है, किस सीरीज में, उसकी क्या क्या क्वालिटीज है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं हो जाता हूँ साइड में और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी जो एक पेंट की खासियत आपको बताएगी। शुरू करते हैं नंबर 5 के पेंट से, जिसका नाम है ट्रैक्टर स्पार्क। ये पेंट उन लोगों के लिए है जो बड़ा ही बेसिक पेंट करवाना चाहते हैं, ऐसी जगहों पर जब पेंट करवाने का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, जैसे आप कोई घर किराएदार को देना चाह रहे हैं, बड़ा ही बेसिक सा घर है, वहां पर इसको करवा सकते हैं। आप कोई शॉप, कोई ऐसी जगह किराए पर देना चाह रहे हैं तो दीवारों के ऊपर कुछ पैनल आ जाना है या उसके ऊपर कुछ शेल्फ आ जाने हैं, जब पेंट वैसे ही नहीं दिखने वाला, वहां आप कोई पेंट करवाना चाह रहे हैं तो आप ट्रैक्टर स्पार्क के साथ जा सकते हैं। ट्रैक्टर स्पार्क डिस्टेंपर पेंट है। ये पेंट वॉशेबल नहीं होता है, यानी कोई दाग धब्बा लग गया तो पानी लेके शुरू मत हो जाएगा साफ करने में, दाग के साथ साथ आपको पेंट भी उखड़ जाएगा। इसकी लाइफ 1.5 से 2 साल ही होती है। इसकी 1 लीटर की बाल्टी आपको 120 रुपए के आसपास मिल जाती है। अब 120 में आपको व्हाइट पेंट मिलता है, इसमें आप जो कलर ऐड करवाते हैं वो इसके ऊपर प्लस हो जाता है, वो भी ज्यादा नहीं होता, तो आप समझ के चलिए कि 1 लीटर आपको 120 रुपए के आसपास में पड़ जाएगा। और ये 1 लीटर लगभग 100 से 120 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेता है आराम से। इसमें शेड ज्यादा अवेलेबल नहीं होती, लगभग 900 के अराउंड शेड्स हैं जो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। एक छोटा सा स्पिन ऑफ भी आता है, स्पिन ऑफ का मतलब है थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन जिसमें सारी चीजें सेम रहते हैं, एक दो चीज अलग कर देते हैं, उसका नाम होता है ट्रैक्टर स्पार्क एडवांस। ये होता है एंटी फंगल, यानी आप ऐसी किसी जगह पर हैं जहां सीलन ज्यादा आती है, मॉइस्चर ज्यादा है, उस वजह से दीवारें आपकी फंगस पकड़ देती है, तो आप स्पार्क एडवांस में जा सकते हैं स्पार्क की जगह। पेंट्स की फिनिशिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती, वो तो आपको पहले बता दिया था, लेकिन अगर नंबर की बात करें तो मैं शायद इसमें को 10 में से 2 नंबर ही दे पाऊंगा फिनिशिंग के मामले में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेसिक क्वालिटी का पेंट है ये। अब आप कहते हैं कि नहीं भाई, हमें बेसिक क्वालिटी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सुपर चाहिए, लेकिन हमें बजट में भी रहना है, तो आप चल सकते हैं इसके अगले पेंट पर। अब बात करते हैं अपने चौथे नंबर के पेंट की, जिसका नाम है ट्रैक्टर इमर्शन। ट्रैक्टर इमर्शन एक सेमी डिस्टेंपर पेंट है, यानी इसमें 60% प्लास्टिक पेंट होता है, 40% डिस्टेंपर पेंट होता है, यानी उसका एक मिला जुला स्वरूप है। इस वजह से इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है, ये लगभग 3 साल आपका आराम से चल जाएगा, और ये वन टाइम वॉशेबल होता है, यानी एक बार दाग आया तो आप उसको हटा सकते हैं, ये नहीं कि हर बार दाग आने के बाद आप उसको पानी मारेंगे, ऐसे में आपको पेंट भी उखड़ के बाहर आ जाएगी। 1 लीटर की बाल्टी आपको लगभग 140 रुपए में पड़ जाएगी, और इसमें आपको मैट और शाइन दोनों फिनिश मिलेंगे। अब ये फिनिश कैसे दिखते हैं, ये आप स्क्रीन पर इस इमेज से अंदाजा लगा सकते हैं, और आप अपने हिसाब से इनकी फिनिशिंग को चूज कर सकते हैं। 1 लीटर की बाल्टी लगभग 120 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेती है आराम से। इसकी फिनिशिंग की बात करें तो जैसे मैंने पिछले वाले को 10 में से 2 नंबर दिए थे, इसको मैं 10 में से 4 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि इसकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं होती, इसलिए आप इसको दोबारा से रेंटल प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, दुकान वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आप बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा ऊपर काम करवाना चाहते हैं, वहां के लिए पेंट बिल्कुल सही है। अब इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन आता है, जिसको कहते हैं ट्रैक्टर इमर्शन एडवांस। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी इसमें फंगस वगैरह नहीं लगती। अगर आपके वहां पर सीलन की दिक्कत है, फंगस वगैरह की दिक्कत है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है हवा में, तो आप ट्रैक्टर इमर्शन की जगह ट्रैक्टर इमर्शन एडवांस की तरफ जा सकते हैं। कहते हैं कि भाई हम अपना घर किराए पर थोड़ी बनवा रहे हैं, वो तो हम अपने लिए बनवा रहे हैं, तो ऐसा कोई पेंट बताइए जो हम अपने घर पर लगवा सके और बजट भी हम थोड़ा सा बढ़ाने पर रेडी है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले पेंट की तरफ, जो है नंबर 3 का पेंट, जिसका नाम है एशियन एक्वालाइट इमल्शन। एक्वालाइट इमल्शन एक पूरी तरह से प्लास्टिक पेंट है, इसलिए इसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसकी लाइफ 4 से 5 साल आराम से होती है, और ये 4 से 5 बार ही वॉशेबल भी होता है, यानी आप इसको वॉश कर सकते हैं 4 से 5 बार, उसके आगे मत जाइएगा वरना पेंट उखड़ना हो जाएगा स्टार्ट। इसका 1 लीटर का पेंट आपको लगभग 250 रुपए का पड़ जाता है, और 1 लीटर में लगभग 150 स्क्वायर फीट एरिया आराम से कवर कर देता है। इसकी फिनिशिंग की बात करें तो इसमें मैट, शीन, शाइन तीनों फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी, वो कैसे दिखती है आपको इस चार्ट में आराम से दिख जाएगा। फिनिशिंग की क्वालिटी की अगर बात करें तो आपको याद होगा लास्ट वाले को मैंने दिए थे 10 में से 4 नंबर, इसको मैं दूंगा 10 में से 6 नंबर, यानी थोड़ा सा अच्छी सीरीज में आने लग गया है। आप इसको अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर करवा सकते हैं, इसकी लाइफ भी अच्छी होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। शेड इसमें आपको बहुत देखने को मिलेंगे, लगभग 2500 से ऊपर शेड्स हैं जो आप इसमें चूज कर सकते हैं आराम से। सबसे खास बात यह है, और इसको नंबर 4 और 5 से अलग जो इसको चीज बनाती है, वो है कि इसमें एंटी फंगल और स्टेन गार्ड टेक्नोलॉजी होती है। इस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एक तो इसमें फंगस आसानी से नहीं लगती,
और दूसरा अगर दाग इस पे लग भी जाता है तो पेंट उस दाग को पीता नहीं है, उसको आसानी से सोखता नहीं है, तो उसको साफ करना ज्यादा आसान हो जाता है। कि अलग अलग वर्जन की बात करें, स्पिन ऑफ की बात करें, तो इसमें आपको दो वर्जन और मिल जाएंगे। एक होता है, एक का नाम होता है हैवी ड्यूटी, यानी इसका पूरा नाम क्या बनेगा, एक्वालाइट हैवी ड्यूटी पेंट। इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, सारी चीज सेम रहती है, बस ये थोड़ा सा थिक हो जाता है पेंट, इसलिए वहां पे इसको लगा सकते हैं जब सीलर थोड़ी ज्यादा आती है, क्योंकि आसानी से टूट के बिखरता नहीं है। आपने देखा होगा जब भी सीलर आती है तो आपका पेंट पबड़ी बनने लगता है, ऐसा इसमें नहीं होगा। तो वर्जन आता है उसका नाम होता है ऑल प्रोटीन। अब इसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें तो अपने साथ लेकर आता है जो मैंने आपको सारे फीचर्स बताए, उसके साथ साथ ये फायर रिटार्डेंट भी होता है, यानी इसमें आग भी आसानी से नहीं लग सकती। अब आप कहते हैं भाई बजट की हमें इतनी दिक्कत नहीं है, आप तो कोई ऐसा पेंट बताइए जो अच्छी खासी फिनिशिंग हमें दे दे, एक रिच लुक प्रोवाइड कर सके हमें। तो चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं, अब चलते हैं अपने नंबर दूसरे पेंट पर, जिसका नाम है एशियन रॉयल इमल्शन। रॉयल इमल्शन पूरी तरह से प्लास्टिक पेंट है, ये पूरी तरह से वॉशेबल पेंट भी है, यानी आप इसको जितना धो ले ये पेंट कभी भी नहीं छूटेगा। हाँ बस थोड़ा हार्ड कपड़े से मत धोइएगा इसे, इसी वजह से इसकी लाइफ 5 से 6 साल की हो जाती है। इसका 1 लीटर की बकेट आपको लगभग 450 रुपए में पड़ेगी, तो आप देख सकते हैं थोड़ा बजट ऊपर होने लग गया है, और ये 1 लीटर में लगभग 150 स्क्वायर फीट आराम से कवर कर सकता है। इसमें आपको अलग अलग तरह की फिनिश देखने को मिल जाएगी, इसमें शाइन फिनिश, शैटिन फिनिश, मैट फिनिश तीनों आपको देखने को मिल जाएगी, और इसमें शेड्स लगभग 2500 से भी ऊपर आते हैं। और फिनिशिंग की क्वालिटी की बात करी जाए तो जैसे मैंने लास्ट वाले को 10 में से 6 नंबर दिए थे, इसको मैं 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा। अब 2 नंबर क्यों काटे हैं वो भी आपको आगे पता चली जाएगा। इस पेंट की सबसे खास बात ये होती है कि एक एंटी फंगल होता है, इसमें स्टेन गार्ड टेक्नोलॉजी होती है जो पुराने पेंट में भी थी, लेकिन एक जो फालतू चीज इसमें आ जाती है वो आ जाती है टेफ्लॉन कोटिंग। अब टेफ्लॉन कोटिंग क्या होती है, बड़ी पतली सी परत होती है जो इस पेंट के ऊपर अपने आप चढ़ जाती है, उस वजह से इसमें दाग लगना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लग भी जाता है तो आप गीला कपड़ा बस ऐसी मारिए और दाग आपके हाथ में आ जाएगा। सारी खूबी की वजह से ये हाई एंड होम्स में लगाया जाता है, जहाँ थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी के कस्टमर्स आते हैं, आपको अपना घर थोड़ा प्रीमियम बनाना है, वहाँ बिल्कुल रॉयल सीरीज के साथ जा सकते हैं। आपको दुकान पर जाकर कहना है एशियन रॉयल इमर्शन हमें दे दो बस। लग्जरी इमर्शन का एक जो थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन आता है उसका नाम होता है रॉयल हेल्थ शील्ड। इसके अंदर सिल्वर आयन टेक्नोलॉजी होती है, जिस वजह से घर में जो भी बैक्टीरिया जो भी कीटाणु है वो मर जाते हैं। तो अगर आपको बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं, अगर आपको बैक्टीरिया वगैरह से दिक्कत है या आपको अस्थमा की दिक्कत है, तो आपको बेशक इसके थोड़े से अपग्रेडेड वर्जन यानी रॉयल के हेल्थ सीरीज के साथ जाना चाहिए। अब आप कहते हैं कि भाई पैसे की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें तो बस जो मार्केट में सबसे अच्छा पेंट अवेलेबल है, जो हमें सबसे रिच लुक प्रोवाइड कर दे, सबसे प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर दे, वो आप बता दो। तो चलिए चलते हैं अब नंबर 1 पेंट की तरफ, जिसका नाम है रॉयल एस्पायर। रॉयल एस्पायर पूरी तरह से प्लास्टिक पेंट होता है, ये 6 से 7 साल बहुत आसानी से चल जाता है, ये इजिली वॉशेबल होता है। 1 लीटर की बाल्टी के लिए आपको लगभग 600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बाल्टी थी 100 रुपए की, अब हम जा चुके हैं 600 रुपए पर, तो आप कहां से कहां आ चुके हैं। इसकी एक बाल्टी आपको 600 रुपए की मिल जाएगी, इसमें शेड्स 2500 से भी ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी फिनिशिंग क्वालिटी की बात करें तो क्योंकि ये सबसे टॉप का पेंट है, तो इसको मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा, यानी इससे ऊपर का पेंट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। सबसे ज्यादा हाई एंड प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है, अगर आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे ज्यादा रिच लुक देना चाह रहे हैं, तो रॉयल एस्पायर के साथ ही जाइए। ये पेंट ही महंगा नहीं है, इसका जो पीछे बेस बनता है वो भी बड़ा महंगा बनता है, उसको भी बड़ा स्पेशल तरीके से बनाना पड़ता है, तो कोई ऐसा कारीगर ढूंढिएगा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो। इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एंटी फंगल, स्टेन गार्ड, टेफ्लॉन, सिल्वर आयन टेक्नोलॉजी के साथ तो आता ही है, जो इसके पिछले वाले वर्जन में भी था, लेकिन इसके पास एक और एडवांटेज है कि इसमें एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी है। अब इसका मतलब ये होता है कि पेंट थोड़ा होता है लचीला, तो इस वजह से आपकी दीवारों की मूवमेंट की वजह से हल्के फुल्के क्रैक डेवलप हो भी गए अगर प्लास्टर में, तो पेंट उनको बाहर नहीं आने देगा, उनको अपने आप फिलअप कर देगा, यानी आपका घर सालों साल जैसा था वैसा ही दिखेगा। कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद अच्छी लगी होगी, और आप कॉन्फिडेंटली मार्केट जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कौन सा पेंट चाहिए। मार्केट में 100 से ऊपर पेंट है, उनमें से नैरो डाउन करके मैंने 5 पेंट निकाले जो आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके पास कोई भी सवाल है या कोई भी ऐसी चीज जो शायद मैं कवर नहीं कर पाया तो प्लीज नीचे कमेंट करिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है इंटीरियर कंस्ट्रक्शन को लेकर, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, उस पर बस क्लिक करिए और आप सीधे मुझसे जुड़ सकेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब के लिए गुड बाय।